हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो देखिए गाइस, देखने से ही आप समझ गए होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का ढोकला। कुछ लोगों की यह शिकायत रहती है कि बेसन का ढोकला उनका फूलता नहीं है, एकदम बैठ जाता है, अच्छा नहीं बनता है और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनता है। लेकिन देखिए आज का ढोकला जिस तरीके से हम बताने वाले हैं बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनेगा, एकदम अमेजिंग बनेगा। आप जो कि देख रहे हो, काटने से ही हमारे समझ रहे हो कि इतना टेस्टी और कितना यमी बन करके तैयार हुआ है ये ढोकला और स्पंज। और आप जाली देख सकते हो कि कितनी अमेजिंग जालियां हैं, देख सकते हैं। और स्पंज हम आपको सब तरफ से स्पंज दिखा रहा है, ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं। एक बात होगा, प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते तो आप लाइक भी किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करके वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। और आपका ढोकला अगर हमारे तरीके से बनाएंगे ना तो 100% फूलेगा ही फूलेगा। स्पंज आप देख सकते हो जैसे दबा रहा है वैसे फिर से फूल फूल कर आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये यम्मी टेस्टी सा ढोकला। तो आप देख सकते हो ये हमने ले लिया है बेसन। बेसन को यहाँ पर छानना नहीं है। देखिए जब आप हमेशा बेसन लीजिए, मतलब मार्केट से लेकर आइए, तभी आप छान कर भर लीजिए डिब्बे में, उसके बाद छानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही लेना है और जितना बेसन लिया है जिस बाउल से, मतलब मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है इसमें, जिस बाउल से हमने बेसन लिया है उसी बाउल से हमने दही ले लिया। ये घर का दही था, उसमें हमने 2 स्पून देखिए चीनी डाल दी है। यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून है, छोटी स्पून यानी 2 स्पून चीनी ऐड कर दी है। इस तरह से फेंटेंगे, नमक ऐड कर दिया है इसमें और आप अच्छे से फेंटेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्यों कहा आपसे कि आपको बेसन छान कर नहीं लेना, देखिए इसमें कुछ गांठे दिख रही होंगी ना, जितना आप फेटोगे उतना ये फ्लफ़ी होगा। तो जब गांठे होंगी तो आप गांठों को तोड़ने के लिए फेटोगे, फेटोगे तो वो ज़्यादा देर तक आप फेट पाओगे। इस वजह से आपको फेटना, मतलब फेटना अच्छे तरीके से है। अब इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब हम फिर से बेसन को फेटेंगे और आप देख सकते हो हल्का लाइट कलर हो गया है, पहले डार्क कलर था अब लाइट कलर हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अब यहाँ पर कुछ बूंदे ऑयल की डालेंगे क्योंकि हमारा बेसन का ढोकला जो है मॉइस्ट बने मुंह में जा करके। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है, मुंह में कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि मुंह में जा करके बेसन का ढोकला फंसने लगता है, तो ये बिल्कुल फंसेगा नहीं, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। तो केक टिन ले लिया है, ऑयल डाल दिया है इसमें, देखिए थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है अपनी केक टिन को, ये देखिए, ये देख सकते गाइस ऑयल डाल दिया है। अब ये बेसन का हमने ले लिया है बैटर फिर से। अब इसमें क्या डालेंगे, 1/2 टीस्पून देख सकते हैं बेकिंग सोडा और 1 इनो का पूरा सैसे। आप देख सकते हो टीस्पून मतलब छोटा, आप जो नॉर्मल खाने वाली लेते हो ना चम्मच, उसका चौथाई भाग आपको लेना है बेकिंग सोडा और 1 फ्रूट सॉल्ट का पूरा सैसे ले लेना है और अच्छे से जेंटली मतलब फेटना है, मगर ध्यान ही रहे बैटर के हर तरफ हर दाने में इनो जाना चाहिए, मगर बहुत देर भी नहीं लगानी है आपको फेटने में वरना उसका रिएक्शन कम हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉपर करना है काम। अब इसे देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं, कुछ लोग क्या करते हैं स्टीम में रखने के बाद में ढोकले को फ्लेम को धीमा कर देते हैं, मगर आपको फ्लेम को धीमा नहीं करना है, फ्लेम को हाई रखना है लगभग लगभग 10 मिनट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस 10 मिनट में ना ढोकले को जितना भी फूलना होता है वो अच्छे से फूल जाता है, उसके अंदर जालियाँ बन जाती हैं, क्योंकि उस समय इनो का जो रिएक्शन है ना वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें बबल्स अच्छे बनते हैं, छे मतलब होल्स बनते हैं, जालियाँ अच्छे से बनती हैं। 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, ये देखिए अभी नाइफ गीला गीला निकल रहा है, ढोकला चिपक गया है आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। टोटल 15 मिनट पकाना है आपको ढोकला, 10 मिनट हाई फ्लेम पर, 5 मिनट स्लो फ्लेम पर। स्लो फ्लेम पर होगा ये कि आपका ढोकला अच्छे से फूल जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। चलिए पानी, जब तक वो ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए बना लेते हैं पानी। ये देखिए तो हमने डाल दिया इसमें मस्टर्ड सीड, अब बेसन का ढोकला है इसलिए हींग डाल दी है, और अब इसमें डाल दिया है करी पत्ता और ये डाल दिया है हरी मिर्च कटी हुई, ठीक है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, इसलिए हमने ऑयल का नहीं बताया। अब लिया है पानी, तो एक बड़ा बाउल भर करके पानी लिया है, क्यों, क्योंकि बेसन का ढोकला बिल्कुल सूखा ना लगे, आपके गले में फंसे नहीं, उसके लिए आपको ये बैटर ज़्यादा बना के रखना होगा। नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, और अब इसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून अपने हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिएगा, जैसा भी आप खाएं पिए। और ये डाल दिया तिल थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, तिल अगर नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी बनकर तैयार हो गया है, यानी 2 मिनट इसको पका लेना है अच्छे से पानी को, जिससे कि कच्चापन पानी का निकल जाए और वो टेस्टी लगे। ढोकला भी ठंडा हो गया, आप देखिए ढोकले ने अपने आप बर्तन छोड़ दिया है, मगर फिर भी इस तरह से थोड़ा सा आपको
स्क्रेच करना है। और आप देखिए एक प्लेट के ऊपर हम डालेंगे, टैप भी नहीं करेंगे, ये अपने आप ही निकल जाएगा। ये देखिए हमने टैप नहीं किया, अपने आप निकल गया, इतना ज़्यादा अमेजिंग बनता है। और देखिए आपने देखा होगा कि केक टिन भी बिल्कुल साफ निकल कर आया। अब यहाँ पर देखिए आप इसकी जाली आप देख सकते हो, एकदम अमेजिंग जाली बन करके आई है। और फ्लफनेस देख सकते हो कितना अच्छे से फूला हुआ देख सकते हो। ये देखिए अब बहुत टेस्टी बनता है ये ढोकला, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना करके खाएँ। सच में गारंटी हमारी है आपका ढोकला बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से फूलेगा भी और अमेजिंग और टेस्टी लगेगा खाने में। आप देख सकते हो ये देखिए अब इसे कट कर रहे हैं। अब कट तो हमने पहले ही करके दिखा दिया, कितना देखिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है, कितनी आसानी से ये ढोकला हमारा कट रहा है और एकदम यम्मी टेस्टी सा बन करके तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं अब इसे उसी पानी से हम करेंगे गार्निश यानी सजाएंगे और बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो आप। पहले तो इसका देखिए जाली देख सकते हैं आप, कितना अमेजिंग जाली ये देखिए बनी हुई है, हर तरफ से एकदम अमेजिंग जाली है, फ्लफनेस है, मतलब हम जितना इसको प्रेस करेंगे दबाएंगे ये फिर से अपना शेप ले लेता है, बस यही हमको करना है। ये देखिए हम दबा रहे हैं, ये देखिए मगर ये वही शेप ले ले रहा है, इतनी बढ़िया जाली बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना बच्चों को या बड़ों को घर के, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मार्केट से आप नहीं लेकर आए हैं, आप घर में बनाया है आपने, बहुत टेस्टी यम्मी सा ढोकला। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, हमारी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी करा करिए, ऐसा नहीं है कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव कमेंट जो करता है वो निगेटिव कमेंट करे, हमें भी तो पता चलेगा। क्योंकि आप लोगों के निगेटिव कमेंट करने से पता है क्या होता है, ये होता है कि हमें जो आप लोगों को गलत लगता है तभी आप निगेटिव कमेंट करते हो, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो अगर आप लोगों को निगेटिव कमेंट करना है तो आप निगेटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और इन्जॉय करिए ये यम्मी टेस्टी सा ढोकला। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।